मैं गॉडसे जी को देवता तुल्य मानता हूँ। गॉडसे जी को, गॉडसे जी बहुत हमारे लिए प्रात स्मरणीय है, वंदनीय है, नमनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। मैं गॉडसे जी को मानता हूं, गॉडसे जी का बहुत बहुत नमन करता हूं। उनके कारण आज हम लोग जीवित हैं। गॉडसे ने अपने लिए जान नहीं दी, गॉडसे जी ने हमारे लिए जान दी है। तो गॉडसे जी का बहुत बहुत सम्मान। और गांधी तो देखिए, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी कुछ था थोड़ी, गांधी तो एक गंदगी का ढेर था। गांधी अपने परिवार की महिलाओं को नहीं छोड़ा, जो उसके विश्वसनीय साथी थे उन्हें नहीं छोड़ा। ये गांधी किसे छोड़ता? तो गांधी की चर्चा करना, और गांधी जैसा झूठा व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। गांधी और नेहरू की गद्दारी के कारण आज 100 करोड़ लोगों की हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन हमारे पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है, 1 इंच। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है? ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोल्हू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया? गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। गांधी ने हमारी लाखों औरतों के साथ बलात्कार करवाए, तुम करोड़ों के साथ करवाओ। गांधी ने 1 करोड़ हिंदू मरवाए, तुम 100 करोड़ हिंदू मरवाओ। इसी का नाम तो गांधीवाद और गांधी का चेलावाद है। लेकिन गॉड से सत्य के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है,